बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बच्चों आज का हमारा टॉपिक है वो है बून मूवमेंट की टर्मिनोलॉजीज़। अभी तक हम एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजीज़ पढ़ रहे थे, ठीक है, जिसमें आपने देखा था कि ये फ्लेक्शन ये इंटीरियर है, ये पोस्टीरियर है, ये सारी चीज़ें आपको आइडिया हो गया था कि जब हम किसी रेफरेंस पॉइंट को लेते हैं, ठीक है। आज हमने क्या पढ़ना है, बोन की जो मूवमेंट है, जो बोन की मूवमेंट है ना, उनकी टर्मिनोलॉजीज़ क्या हैं। देखो बच्चे, आप बगैर बोन के ना मूव नहीं कर सकते। आपको पता है आपका जो स्केल्टन है वो इसलिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्यों, क्योंकि उसकी वजह से आप मूवमेंट कर रहे होते हो। देखो कभी कोई आरटी हो जाता है, कभी कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई बोन टूट जाती है या फ्रैक्चर हो जाता है, तो आपने देखा होगा कि वो वाला हिस्सा आपका हरकत नहीं कर पाता। तो बोन की बगैर आप अपनी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं कर सकते, ठीक है। तो उसी लिहाज से बोन की मूवमेंट की टर्मिनोलॉजीज़ के लिहाज से ना एनाटॉमी में कुछ टर्म्स हैं, ठीक है, जो हमने आज क्या करनी है, एक्सप्लेन करनी है। सबसे पहले आ जाता है फ्लेक्शन, ठीक है। फ्लेक्शन को डिफाइन करने के एक आसान तरीका यह है कि आपको पता है जोड़ कब बनता है, जब दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, जोड़ बनाती हैं, पता है ना इस बात का, ठीक है। जब दो या दो से ज़्यादा हड्डियाँ मिलती हैं तो क्या बनाती हैं, जोड़ बनाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ये आपका एक कोहनी का जोड़ है, ये आपका कोहनी का जोड़ है, ये आपका क्या है, हाथ है। एक ये हड्डी है और एक क्या है, ये हड्डी है, ये दो हड्डियाँ हो गई, ठीक है। फ्लेक्शन किसे कहते हैं, जब इन हड्डियों के दरमियान एंगल कम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लेक्शन कहेंगे। समझ आ रही है, जब भी इन हड्डियों के दरमियान आपका एंगल है जो कम होगा तो उसे हम क्या कहेंगे, फ्लेक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल ये देख लो, ये मेरा एल्बो जॉइंट है, ये एक हड्डी है, ये दूसरी हड्डी है, जब मैं ऐसे करूँगा तो इसके दरमियान एंगल क्या हो रहा है, कम हो रहा है, तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्लेक्शन कहेंगे। जब भी दो बोन्स के दरमियान आपका जो एंगल है वो क्या हो, डिक्रीज हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन कहते हैं। समझ आ गई है, फ्लेक्शन की समझ आ गई है ना, ठीक है। कोई भी मूवमेंट, अब ये हम अगर उंगली को लेंगे, ठीक है, ये एक हड्डी है, ये एक हड्डी, जब आप इसको ऐसे मोड़ेंगे तो इनके दरमियान एंगल कम हो रहा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, फ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। अच्छा, अगली टर्मिनोलॉजी है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन इसके उलट है। एक्सटेंशन में क्या है कि फर्ज क्या, ये आपका जोड़ है, ये एक हड्डी है और ये एक क्या है, हड्डी है। एक्सटेंशन में क्या होता है, जब भी आपका जिस तरह फर्ज क्या, मैं आप एग्जांपल दूं आपकी कोहनी की, ठीक है, तो ये मेरा एल्बो जॉइंट है, ये मेरी एक हड्डी है, ये मेरी एक हड्डी, ये एक एंगल है, जब हम सीधा करेंगे तो ये एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे। जब भी एंगल दो बोन्स के दरमियान क्या हो रहा होता है, फर्ज क्या हम ये एग्जाम्पल थी, ठीक है, ये इस कंडीशन में फ़र्ज क्या था, जब भी ये एंगल क्या होगा, ज़्यादा होगा, इंक्रीज होगा, तो इसे हम क्या कहेंगे, एक्सटेंशन कहेंगे। जब भी दो हड्डियों के दरमियान एंगल आपका क्या हो रहा होता है, इंक्रीज हो रहा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, एक्सटेंशन कह रहे होते हैं, ठीक है। एग्जांपल आप ये देख लो, ये अगर हम इसलिए, ये फ्लेक्शन है, ठीक है, इसके बिल्कुल ये क्या है, एक्सटेंशन है, कौन से जॉइंट की, आपके ये एल्बो जॉइंट की, ठीक है, कोहनी वाले जॉइंट की। समझ आ गई है, ठीक है, ये आपकी फ्लेक्शन भी होगी और ये आपकी क्या होगी, एक्सटेंशन भी होगी, ठीक। आगे हम चलते हैं, अगला है आपका अबडक्शन। अबडक्शन, ठीक है। अब देखो, अब आपकी ना ये बॉडी है, ठीक है, ये इसकी क्या है, मीडियल लाइन है। जब भी कोई बोन मीडियल लाइन से दूर जाएगी तो उसे हम क्या कहेंगे, अबडक्शन कहेंगे। फॉर एग्जांपल देखो, ये आपका शोल्डर जॉइंट था, ये आपकी हड्डी थी, ठीक है, जैसे जैसे आप इसको, मतलब ये मीडियल लाइन है ना ये आपकी, ठीक, इससे दूर लेके जाओगे, अवे लेके जाओगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, अबडक्शन कहेंगे। समझ आ रही है ना, ठीक है। फॉर एग्जांपल ये मैं खड़ा था, ये मेरी बॉडी है, हम इस शोल्डर जॉइंट के लिए, तो ये क्या है आपकी, अबडक्शन है, क्योंकि ये दूर जा रही है आपकी मीडियल लाइन से, ठीक है, अवे जा रही है। अबडक्शन मतलब अवे टू मिड लाइन, मिड लाइन से दूर जा रही है, ठीक है, समझ आ गई है, ठीक है। इसके बिल्कुल क्या होगा, उलट क्या होगा, एडक्शन। एडक्शन में क्या होता है कि जो बॉडी स्ट्रक्चर है वो मिड लाइन की तरफ आ रहा होता है,
ठीक है, इस तरफ आ रहा होता है, ठीक है। ये था, ये मेरा हाथ अगर इस तरफ आएगा तो इसे हम क्या कहेंगे, एडक्शन कहेंगे, मतलब ऐड हो रहा है, ठीक है, आपकी मिड लाइन की तरफ। तो ये क्या कहलाएगा आपका, एडक्शन कहलाएगा। काफ़ी हर जॉइंट की होती है, मैं कॉमन एग्जांपल इसलिए दे रहा हूँ ताकि आपके माइंड में ये चीज़ें रह जाएं। समझ आ गई ना, फ्लेक्शन, एक्सटेंशन, अबडक्शन, एडक्शन, समझ आ गई है, इधर तक कोई मसला नहीं है, ठीक है। चले आगे चलते हैं हम, अब है प्रोनेशन और सुपीनेशन। सबसे पहले है प्रोनेशन। देखो बच्चे, अगर हम हाथ की बात करें ना, फोर आर्म की, ठीक है, ये आपका फोर आर्म है, ठीक। जब हम इसको क्या करते हैं, पुट्ठा करते हैं, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्रोनेशन कहते हैं। समझ, डेफिनेशन के मुताबिक क्या है, जब भी आप अपना ये क्या है आपका पाम है, इसको किधर करोगे, डाउनवर्ड करोगे, तो इसे हम क्या कहेंगे, प्रोनेशन कहेंगे। सादा जबान में यही है कि जब भी आप अपने फोर आर्म को पुट्ठा करोगे तो वो क्या कहलाएगी, प्रोनेशन कहलाएगी, ठीक है। प्रोनेशन में क्या होगा, जो आपका पाम है वो किधर जाएगा, डाउनवर्ड जाएगा, डाउनवर्ड, ठीक है, समझ आ गई है। ये क्या होगी आपकी, प्रोनेशन होगी। और सुपीनेशन क्या है, इसके बिल्कुल उलट है, इसमें पाम किधर जाएगा आपका, अपवर्ड जाएगा, ठीक है, मतलब ये सीधा करना। पुट्ठे से याद रखना प्रोनेशन, सीधे से याद रखना सुपीनेशन, ये दो लफ्ज़ आपको आसानी करेंगे, ठीक है। जब आप सीधा करोगे तो ये क्या होगी, सुपीनेशन होगी, जब आप पुट्ठा करोगे तो ये क्या होगी, प्रोनेशन होगी, ठीक है। इधर तक कोई मसला नहीं है, चलें आगे। टर्मिनोलॉजी जो आती है वो है बच्चों इन्वर्जन। अब हम बात करते हैं आपके पाँव की, फुट की, ठीक है। ये फर्ज क्या आपका, ये सीधा सीधा एक पाँव है, ठीक है, मेरी ड्राइंग इतनी अच्छी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। जब हम सीधे खड़े होते हैं, ठीक है, अगर पाँव की मूवमेंट किधर की तरफ जाएं, इनवर्ड जाएं, तो इसे हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन कहेंगे। पाँव किधर मूव कर रहा है, अंदर की तरफ मूव कर, आपकी सोल जो है, पाँव की सोल, सोल कहते हैं नीचे वाले हिस्से को, वो अगर अंदर की तरफ मूव कर रही है तो उसे हम क्या कहेंगे, इन्वर्जन कहेंगे। और दूसरा लफ्ज़ है आपका इवर्जन, इसका क्या मतलब है, बाहर की तरफ, एग्जिट, तो उसे हम क्या कहेंगे, एवर्जन कहेंगे। समझ आइए, इन्वर्जन में आपकी सोल अंदर की तरफ मूव करेगी और एवर्जन में आपकी सोल किधर मूव करेगी, बाहर की तरफ मूव करेगी, ठीक है। इसमें किधर मूव करेगी, सोल की बात हो रही है, ये समझ आ गई है, ठीक है। अच्छा, आगे है टर्मिनोलॉजी एलिवेशन एंड डिप्रेशन। यह है एलिवेशन। एलिवेशन का मतलब होता है ऊपर की तरफ उठाना, क्या करना, ऊपर की तरफ उठाना, इसे हम क्या कहते हैं, एलिवेशन कहते हैं। और एक है डिप्रेशन, जिसका क्या मतलब होता है, नीचे की तरफ आना, ठीक है। अगर हम जबड़े की बात करें तो जब हम मुंह बंद करते हैं तो जबड़ा किधर जाता है, ऊपर की तरफ जाता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, एलिवेशन कहते हैं, ठीक है। और जब हम मुंह को खोलते हैं तो जबड़ा किधर आता है, नीचे की तरफ आता है, तो इसे हम क्या कहते हैं, डिप्रेशन कहते हैं। या हम अगर शोल्डर की इसकी बात करें ना, इसकी देखो, जब मैं ऐसे ऊपर की तरफ मूव करूँगा तो ये क्या हो गई, एलिवेशन होगी, और जब ये नीचे की तरफ जाएगा तो ये क्या हो गई आपकी, डिप्रेशन हो गई, ठीक है। अच्छा, आगे आ जाता है प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन। आखिरी टॉपिक है आप लोगों का ये, ठीक है। यह है प्लांटर फ्लेक्शन एंड डॉर्सी फ्लेक्शन। अच्छा देखो, प्लांट का मतलब पाँव है, ठीक है। जब भी जो पाँव की मूवमेंट है ना, ठीक है, वो फुट और लेग के दरमियान इंक्रीज हो। देखो, ये आपका पाँव था, ठीक, और ये आपकी क्या है, लेग है। ये मतलब पाँव ऐसे ना, ये ऐसे है, ठीक है। वो कहता है जब फुट और आपकी उसके दरमियान, किसके दरमियान, सॉरी, इसके सोल ऑफ फुट और लेग के दरमियान एंगल क्या हो, इंक्रीज हो, तो इसे हम क्या कहते हैं, प्लांटर फ्लेक्शन कहते हैं। मतलब ये कि आप अपने पाँव को क्या कर रहे हो, ऊपर की तरफ उठा रहे हो। जब भी आप अपने पाँव को, ये आपका सीधा पाँव था, आप इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे तो ये क्या कहलाएगा, प्लांटर फ्लेक्शन कहलाएगा,
ठीक है, क्यों? क्योंकि आपकी सोल और फुट और जो लेग थी उसके दरमियान आपका एंगल क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, ठीक है। तो इसे हम क्या कहेंगे, प्लांटर फ्लेक्शन कहेंगे। दूसरी तरफ जाएंगे तो डॉर्सिफ्लेक्शन क्या होती है, इसके उलट है, जब पांव आपका नीचे की तरफ ड्रॉप करता है, मतलब एंगल और सोल ऑफ फुट के दरमियान जो एंगल है वो क्या कर जाता है, डिक्रीज कर जाता है, ठीक है। ये इसमें क्या होगा, एंगल आपका इंक्रीज कर जाएगा, किसके दरमियान, फुट की सोल और लेग के दरमियान, और इसमें क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, किधर, फुट और फुट और लेग के दरमियान, सोल इसके दरमियान। तो ये आपका क्या हो जाएगा, प्लांटर फ्लेक्शन और डॉर्सिफ्लेक्शन हो गया, ठीक है। कुछ स्ट्रक्चर भी साथ में दिए हुए हैं, ये आप साथ में देख लीजिएगा, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो मुझे बताओ।